मंत्रा का प्रवेश क्या बना रही है? मंत्रा, आज तो नियम विरुद्ध बड़ी देर से आई, क्या रास्ते में कोई सहेली मिल गई? क्या बताऊं, आज घात्री ने ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर मेरे पांव तले जमीन खिसक आई। जरा हमें भी सुना कि ऐसी कौन सी बात सुना गई। अजी, क्या बात सुनाई? बस हमारी तुम्हारी शामत आई। अरे कंबख्त, तेरी जल जाए जुबां, कहीं कोई नशा तो नहीं खा गई? अजी रानी, मैंने तो नशा वशा कुछ नहीं किया। बस मगर आप यदि ये बात सुन जाएंगी तो आप स्वयं ढिलो लग जाएंगे। मंत्रा, आज तो बड़ी विचित्र बातें कर रही है, मानो अपनी मौत का संलाप कर रही है। जो बात है जल्द बयां कर और मुझे अधिक ना परेशान कर। जी, आज महाराज ने एक दरबार किया और अपनी मंशा का यूं इजहार किया कि रामचंद्र जी को राजगद्दी दी जाए और उनके सिर पर रघुवंश का मुकुट दिया जाए। उनके कहने की बात थी, सब सभागणों ने उनकी हां में हां मिलाई और हर एक की यही सलाह थी कि रामचंद्र जी सब में लायक हैं, अतः उसी का हक सबसे ज्यादा फायक है। भला किसी की क्या मजाल जो राजा की बात को का विरोध करते। जो राजा की तरफ से फरमान हुआ वही सबके लिए प्रमाण हुआ। राज तिलक के लिए भी ऐसी जल्दी कि चट रोटी पटदार ले बेटू। इतनी हैरान, तूने तो यूं ही कर दिए मेरे खुश्क प्राण, कर दिए खुश्क प्राण जान में जान। जरा भाई, सूझी तुझे शरारत, क्या देगी मौत दिखाई? तुझको उचित यही था आकर देती मुझे बधाई, ना कि उल्टे मुर्दों की सी अपनी शक्ल बनाई। चपल चंचल मतवारी, बड़ी तू मूर्ख नारी, खड़ी है सामने यूं ही बातों बातों में तुमने मेरे होश उड़ाए। बस यही बात थी जिसके लिए इतनी देर से दिल मिला रही थी और डाक में चढ़ा रही थी। खंबख्त, तूने तो इस प्रकार के शब्द निकाल लिए कि मेरे तो प्राण ही निकाल लिए। मैं डर गई कि परमेश्वर भला करे, ना जान ऐसा कौन सा भयानक समाचार सुन आए। परंतु जब असल बात सुनी तब तनिक जान में जान आई। हाय, तेरा सत्य नाश जाए। हाय, अब तक दिल धड़क रहा है और कलेजा फड़क रहा है। अरे दुष्ट, तुझको तो ये चाहिए था कि उछलती कूदती आती, मेरे पास आती और अपना मुंह मांगा इनाम पाती इस प्रकार का शुभ समाचार सुनकर।
ऐसी जुबान चलाई कि मेरी अब तक अकल ठिकाने ना आई। यदि रामचंद्र को राज मिलता है तो तेरे घर से क्या निकलता है? रामचंद्र बड़ा होनहार है और वैसे भी कौशल्या से बढ़कर मेरा फर्मा बरदार है।